Hey guys, this is Alisha. Welcome back to my channel. हमारे personality development series बहुत दिन से ऐसे आ नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत सारा content lined up था fitness का, fashion का and finally we are here with the episode number 6. तो हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं communication skill पे, confidence पे and episode 6 में मैं इसको थोड़ा सा move करूँगी interviews के towards कि आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए before facing an interview and interview में जाने से पहले खुद को तैयार करना बहुत ज़्यादा important है ताकि आप वहाँ पे कुछ गड़बड़ ना कर दो. तो आज मैं कुछ बहुत ही बेसिक टिप आपसे शेयर करूंगी, कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे लाइफ टाइम टू फेस एनी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यूज. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, आप प्लीज उसको फिल कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है सो दैट आई कैन नो योर इश्यूज बेटर. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज प्रिपेयर सम सेट ऑफ क्वेश्चंस बिफोर इंटरव्यू. तो इंटरव्यू में आपको पता नहीं होता कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा लेकिन कुछ ऑब्वियस क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, जैसे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, योर हॉबीज, समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड. तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से फ्रेम कर लो कि आपको कैसे इसका आंसर देना है, क्या आपको फ्लो रखना है एंड किस तरीके से आप बहुत कम समय में इसको अच्छे से डिलीवर कर पाओ. एंड ये तभी हो पाएगा अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है. तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या हो सकता है नहीं भी पूछे जाए. अगर आप इनको तैयार करके जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. सजेशन नंबर 2 जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इज टू रिसर्च अबाउट द कंपनी जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हो. जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो एक से दो दिन पहले आप उस कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज कलेक्ट कर लो, रिसर्च कर लो अबाउट द कंपनी, वो कंपनी क्या काम करती है और उनके मार्केट में कैसे पोजिशनिंग है, उनके टारगेट ऑडियंस क्या है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से. ट्राई नॉट नेमिंग दैम इन द इंटरव्यू लेकिन यू शुड हैव इट इन द बैक ऑफ योर माइंड कि आप कि उन सारी कंपनीज के कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ट्राई टू हैव अ नॉलेज ऑफ द कंपनीज इन विच यू हैव वर्क प्रीवियसली क्योंकि हो सकता है वो आपसे ये भी पूछ दें. तो आई थिंक उसका नॉलेज तो लोगों को रहता है बाई हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दैट कंपनी लेकिन ट्राई टू कलेक्ट नॉलेज अबाउट इट मोर एंड मोर क्योंकि हो सकता है आपसे कुछ भी पूछ दिया जाए एंड आप वहाँ पे ना आंसर कर पाओ. तो इससे बेटर है कि आप उसको प्रॉपरली रिसर्च कर लो. Tip number 3 and very important tip is to research about the possible responsibilities that you have to take forward on that job role. आपको अपने जॉब रोल के बारे में रिसर्च कर लेना होगा बिफोर द इंटरव्यू ताकि आपको एक आइडिया हो कि आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है दैट हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट दिस जॉब, इसमें आपको क्या क्या करने पड़ेंगे, यू हैव एनी आइडिया ऑफ इट और नॉट. तो अगर आप ये सारा कुछ आंसर वहाँ पे कर देते हो तो इट विल क्लियरली रिफ्लेक्ट दैट यू आर वेरी मच क्यूरियस टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, यू रियली वॉन्ट टू बी ऑन दैट पोजिशन. तो ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करवाएगा एंड लोग ये थोड़ा थोड़ा मिस कर देते हैं, हम लोग को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं विच एक्चुअली मेक्स अ बिगर इम्पैक्ट. सजेशन नंबर 4 इज वेरी मच रिलेटेड टू द फर्स्ट टिप दैट आई हैव शेयर्ड जिसमें मैंने बोला था कि आपको कुछ क्वेश्चंस तैयार करके जाना चाहिए एंड उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प. बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं इंट्रोड्यूस करने, इंटरव्यू देने. तो आपको वहाँ पे बेस्ट दिखना है, बेस्ट साउंड करना है एंड मैक्सिमम यू शुड टेक 4 to 5 सेंटेंसेज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड उसमें आप अपने बारे बेस्ट चीज़ें बताओ एंड डू नॉट ट्राई टू बोस्ट अबाउट इट एंड ट्राई कनेक्टिंग सेंटेंसेज विथ मोर ओवर वेल, नॉट एंड एवरी टाइम, इट साउंड सो मोनोटोनस. तो ऐसे आप अपने इंट्रोडक्शन को बहुत क्रिस्प बना सकते हो और इंटरव्यूअर का एक्साइटमेंट जगा सकते हो. लास्ट एंड वेरी सिंपल टिप जो आई थिंक बहुत लोग मिस कर जाते हैं, इंटरव्यू के एंड में इंटरव्यूअर जरूर आपसे पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क टू मी एंड इस क्वेश्चन का मोस्टली लोग रिप्लाई करते हैं नो आई डोंट हैव एनीथिंग टू आस्क जो कि बहुत ऑफ साउंड करता है एंड ऐसा साउंड करता है दैट यू आर नॉट क्यूरियस टू नो अबाउट द कंपनी मोर, दैट यू आर नॉट क्यूरियस टू नो अबाउट द जॉब एंड यू आर नॉट इवन क्यूरियस टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो आप हमेशा कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश जरूर करो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द पोजिशन और इनफैक्ट अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट दैट दे आर लुकिंग फॉर. तो ये सारे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हम लोग मिस कर देते हैं एंड इससे कहीं ना कहीं ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो जो कि आप रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते हो ऑब्वियसली. सो टेक केयर ऑफ दैट.
एक और टिप जो मैं शेयर करूंगी, विच इज नॉट अ प्रॉपर टिप बट आई थिंक इट्स अ बोनस टिप जो मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगी, इज टू टेक केयर ऑफ द ड्रेस कोड. आप जहाँ भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, ट्राई टू हैव अ नॉलेज ऑफ द ड्रेस कोड कि क्या ड्रेस कोड प्रेफर किया जा रहा है इंटरव्यू में. एंड नो मैटर वॉट, अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का देने जा रहे हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, ट्राई वेयरिंग न्यूट्रल कलर्स, सटल कलर्स, क्योंकि आई डोंट थिंक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत ज़्यादा कलरफुल पीसेस पहन के जाने चाहिए इंटरव्यू में, दैट लुक्स टोटल ट्रैप. तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें. That's pretty much about the episode 6 and please मुझे बताइए कि आप लोग आगे आने वाले episode में कैसे कैसे contents देखना चाहते हो. Please give this video a thumbs up, comment down your ideas, suggestion, requests, follow me on Instagram @_alisha180_ and please subscribe. I pyaar you guys and I'll see you in the next one. Ta-ta!